छोटे छोटे मसले हो रहे हैं, छोटे छोटे बर्तन गंदे और अजाब में आए हैं। उसकी मार क्या है? ये मार है उसकी, क्योंकि उसके असूल हैं, कोई और काम नहीं करेगा, खुद उसको करना पड़ा। खूब तैयार होके जो क्यूलॉट और स्ट्रेट शर्ट में उसने पोछे लगाए हैं, यही बड़ा मजे करता है। जब पप्पू आती हैं, हाँ भाई मुबारक हो, क्यों बुलाया तुमने जल्दी जल्दी, मुझे क्या हो गया था? नहीं, पहले माँ कहती तुम कौन हो, तुम कौन हो, पहले डांट है भाई, तुम कौन है, महरियाली बुआ कौन है, उनकी बीवी है, कैसे हो सकता है यार, क्या बात कर रही है नूरजहां, ऐसे तो नहीं हो सकता। यहाँ पे थोड़े दिन गई तो यहाँ का तो माहौल ही बदल गया। घर पे थी पूरे हफ्ते। अब वो तो उसने बहाना बनाया, वो वीडियो, वो खेलती है कैंडी क्रश बैठ के जब सब चले जाते हैं। वीडियो के एपिसोड्स बहुत मजे की लगी, और हरियाली फूफो शुक्र है वापस आ गई, और हरियाली फूफो क्योंकि वाहिद है जो कि सुना देती हैं एनजे को ना, नूरजहां को। और नूरजहां अच्छी बात है कि वो उससे बहस नहीं करती, उसको इतना राइट उसने दिया क्योंकि माँ की तरह कि ये जो सुनाती है ना सही सुना रही है। इस हद तक हरियाली बुआ ने सुनाई है कि उसके बाद ना उसने मुंह मोड़ के ना चाय पीने लग गई। नूरजहां की तो देख भी नहीं रही। और नूरजहां ऐसे वो बड़ा, मैंने कहा यार देखो इसी औरत में हिम्मत है, वो कह रही है कि मैं वाकई उसको आईना दिखाया कि यार ये तुम पहले कर लेती, नौकर ले आती इस घर में तो तुम्हारी कितनी इज्जत हो जाती। वैसे एक्चुअल देखा जाए मस्ता सिर्फ नौकर है, नौकर ही है, और कोई मसला नहीं है इस घर का। बेसिक इशू एक नौकर रख लो घर में, मसले हल स्टोरी में एक्चुअली और कुछ नहीं है। यू जस्ट नीड अ सर्वेंट स्टाफ, दैट्स इट। हां हाउस हेल्प मेरा हक, हाउस हेल्प मेरा हक। व्हाट्स हर नेम, जंजबील, जंजबील आपको खुद नहीं पता था कि सिर्फ मसला यही है, मसला कि सिर्फ नौकर सिर्फ कहानी ना होती अगर नौकर होता ना। फेड अप सब हो गए हैं कि हुनैद ने कहा कि यार मुझे कल को पोछा लगाने लगे, माँ तो मेरी आ गई है भाई, तो मुझसे लगवाएगी, मैं नौकर ले आता हूँ। उसने हुनैद ने अपने बड़े बेटे होने का हक फर्ज पूरा कर दिया। हुनैद क्या हुनैद हुनैद जो भी हुनैद नूर अपना नूर। इसमें मजा ये आया कि अब जब भी किसी ड्रामे में आप किसी बड़े कैरेक्टर का डाउनफॉल दिखाते हैं ना, तो बड़ी बड़ी बातें दिखाते हैं, बड़ा बड़ा डाउनफॉल, करोड़ों का नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई मर गया, कोई ये हो गया। इधर हम दिखा रहे हैं छोटे छोटे मसले हो रहे हैं, छोटे छोटे बर्तन गंदे और अजाब में आए। बाकी नूरजहां जिस तरह अब टूट रही है ना, वो बड़े चीज़ों से नहीं टूट रही, वो छोटी छोटी बातों से टूट रही है। मुझे इतना अच्छा लगा, क्या कि बर्तन गंदे हैं, पोर्च में पत्ते पड़े हुए हैं, जो है पोछा कोई नहीं लगा रहा, झाड़ू कोई नहीं दे रहा, डस्टिंग कोई नहीं कर रहा, तो क्या करे वो। उसको देखो उसकी मार क्या है, ये मार है उसकी, क्योंकि उसके असूल हैं, कोई और काम नहीं करेगा, खुद उसको करना पड़ा। खूब तैयार होके जो क्यूलॉट और स्ट्रेट शर्ट में उसने पोछे लगाए हैं, सब आपा ने अमेजिंग। अभी बच्चे भी आ रहे हैं, मैं आपको नूरू मामा हेल्प कर देता हूँ, तो बच्चे भी आ गए, वो भी हेल्प कर रहे हैं। तो अब लगा है कि यार मेरे ये तो जिंदगी नहीं है। उससे माँ को होते फिक्र नहीं हो रही कि मैं किस लेवल पे ले हूं कि मेरी बहू ने मेरे बेटे को झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है, कि मैं नौकर रख लेती हूँ घर में। वाकई, और वो हरियाली पप्पो ने जो कहा है ना, उसको यही बड़ा मजे करता है। जब पप्पो आती है, हाँ भाई मुबारक हो, क्यों बुलाया तुमने जल्दी जल्दी, मुझे क्या हो गया था। पहले माँ कहते तुम कौन हो, तुम कौन हो, पहले डांट है भाई, तुम कौन है, मैं हरियाली बुआ। फिर उसे पूछे कौन इख्तियार शाह, अरे कौन इख्तियार शाह, अरे वो जो है बेटा हुआ है किसका, सफीर का, अरे सुंबल का, सुंबल का है, सुंबल का नहीं है, उसका है, महा कौन है, उनकी बीवी है, कैसे हो सकता है यार, क्या बात कर रही है नूरजहां, ऐसे तो नहीं हो सकता। यहाँ पे थोड़े दिन गई तो यहाँ का तो माहौल ही बदल गया। नहीं, मजे की है रियाली फूफो, आई लव हर, और उनकी वजह से घर में इंशाल्लाह सफीना तो बिस्तर पे थी पूरे हफ्ते। अब वो तो उसने बहाना बनाया, वो खेलती है कैंडी क्रश बैठ के जब सब चले जाते हैं, वीडियो खेलती है ना इनके पास PS5, देखे नहीं, कुबरा भी खेल रही थी, कुबरा भी खेल रही थी, ये भी वीडियो गेम खेलती है, बाकी काम चोर है। तो ये बड़े मजे का था, इसलिए सुंबल का निकल जाना, इसमें तो इसमें अब सांस ले रही हूँ, वो भी फ्री हो गई, उसको भी इतना सा मसला था, पहले कर लेती बहन। तो बहुत मजे का ड्रामा, और मैंने बड़े गौर से देखा इसका, जिस तरह टेंशन बढ़ती है ना, डायरेक्टर के शॉट्स भी वैसे चलने शुरू हो जाते हैं तेज तेज, और मजा आता है, इनहेंस हो जाता है आपका एक्सपीरियंस। नूरजहां इज एन एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू, बात कर रही हूं सर, बता रही हूँ, एक्सपीरियंस है ये, और बहुत मजा आ रहा है, मैं तो बता रही हूँ आपको, आगे बाकी बातें बाद में करेंगे। यानी कि अगर एक्चुअली वो लड़के भी कुछ हालात ऐसे हुए कि अब उनको अपनी बीवियों की समझ आने लगी है कि नहीं यार इतनी बुरी नहीं है, ये भी सही है, वो सुन रहे हैं, उन्होंने लड़ना छोड़ दिया अपनी बीवियों से, नंबर स्टेप नंबर वन लड़ना छोड़ दिया, और सेकंड अब वो सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं, उनको अपना घर नहीं ख़राब करना माँ की वजह से। तो आई थिंक
बड़ा रियलिस्टिक है। इधर मैं कहीं नहीं कह रही कि यार एग्जैजरेटेड है, कोई कैरेक्टर बाहर निकल गया, नहीं। कॉन्फिडेंस भी आया तो बड़े ग्रेजुअली स्लोली आया, बट स्टिल देयर इन देयर कैरेक्टर। ओके, फिलॉसफी नहीं है सबसे प्यारी बात। एक भी जुमला नहीं कि शायर कहना चाह रहा है, राइटर क्या कहना चाह रहा है, राइटर जो कह रहा है समझ आ रहा। हरियाली बुआ जो कह रही है, हरियाली बुआ का बेस्ट लाइन भी मुझे उनकी लगी। मैं क्यों कह रही हूँ, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इस इन दो एपिसोड्स में जोक्स के अलावा हरियाली बुआ ही हैं। उन्होंने वो बात कर दी है कि नूरजहाँ ख़त्म हो गई। नूरजहाँ का गरूर क्या है, क्या नूरजहाँ का गरूर है? उसका नाम, नाम कैसे बना? क्योंकि शी इज़ द बेस्ट ज्वेलरी डिजाइनर। वो क्रिएटिविटी की बात है। भाभी ने उसको भाभी कह रही हूँ, फुप्पो भी खासे अभी हरियाली फुप्पो होता है तेरे ड्रामे देखो ना, आपके साथ भी होगा, फुप्पो भाभी बन गई। तो फुप्पो ने इतनी बड़ी बात उसको कह दी कि जहाँ से वो आई हैं कि वहाँ सब कह रहे थे कि नूरजहाँ के डिजाइन में वो बात नहीं रही। तुम किन चक्रों में पड़ गई हो? ये जो घर में अपनी पॉलिटिक्स और सियासत में पड़ गई हो, जो जुल्म कर रही हो घर वालों पर, और फजूल में इसको निकालो इसको रख लो, उसमें तुम्हारा अपना जो खुदा का दिया हुआ टैलेंट था, और आर्ट तो आमद होती है भाई, हाँ। वो आपकी किताब विताब से तो ले नहीं सकते, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी आर्टिस्टिक टैलेंट खत्म हो गया। बड़ी खूबसूरत बात है, दैट्स अ वेरी नाइस। और जो उसका उसको गम लगा है ना कि क्या नहीं नहीं वो तो मेरा बड़े डिजाइन पसंद करते थे ना, तो उसका टैलेंट खत्म हो रहा है क्योंकि इतनी बद्दुआएं ले रही है सबके, उसके इतना घुस गई है ना बहुएं बेटे बहू बेटे में कि उसका अपना काम खत्म हो गया। बहुत पावरफुल था वो। क्रिएटिव लोगों के लिए भी होता है कि जब वो बहुत नेगेटिव होना शुरू हो जाए ना तो उनकी क्रिएटिविटी मुतासिर होती है। बिल्कुल होती है, और ये सबक है, और ये कितना अच्छा लेसन है कि आप दूसरों के आप इतनी फैमिली पॉलिटिक्स में पड़ जाएंगे ना, आपके अपना काम खत्म हो जाएगा। बाकी इसके अलावा तो सारे कैरेक्टर्स सीन्स चीज़ें बहुत मजे की थी, जो सिचुएशंस थी इस दफा वो आर अमेजिंग। राइटर बिल्कुल मुझे समझ रही हैं और मेरे साथ साथ चल रही हम सेम पेज पे हैं, डायरेक्टर एक्टर्स राइटर और मैं हम सेम पेज पे हैं। चलिए गुड, तो कितने नंबर है आपके? 9 फॉर जिंदगी लास्ट। मरीना जी बड़े बड़े बैठे थे तो मैं आपका बहुत, मैंने आपके काम की तारीफ की तो आप याद रखिएगा। काजल निजार के बाद ना आज तो बड़ी प्लगिंग हो रही है, मलिक को भी फुल प्लगिंग देखा मैं डायरेक्टर से बना के रखो ऑन पर्ची इन दिस शो। बदर महमूद, काशिम निसार, बदर महमूद दो और अभी तीसरे। नादिया मैं आपकी जज्बात समझ रहा हूँ, मैंने इतने अच्छे भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया ना कि मैं बिगड़ गई। अभी जानी सार 2 में आपको हम कश्माला बना के, मैं हमेशा ना हीरो का नाम पूछती थी जब भी ड्रामा साइन कर रही हूँ, हीरो कौन है? अब मैंने कहा मैं इसे नहीं करूंगी, मैं पूछूंगी डायरेक्टर कौन है। सोचे ना, ना काशिम का फोन आया, ना मुसद्दिक का, ना बदर का, आ गया मोहसिन मिर्जा, जान सा 2 बन रहा है। तीन करेक्टर है, कौन सा करेंगी? मोहसिन बिल्कुल, मोहसिन ऑफ कोर्स एनी टाइम। जुबैरा 2 हां, इसका थर्ड पार्ट वो भी बेवफा तेरी दीवानगी। अच्छा भी डायरेक्टर से बात करने तो प्लीज डोंट इंटरप्ट, तुम सदिक डायरेक्टर से बात क्या बात हो रही थी हमारी? मैं ये कह रही थी कि मैं आपसे बड़ा बात करना चाह रही थी। मुझे सब डायरेक्टर्स में ये भी बड़े बेस्ट लग रहे हैं। अच्छा तो मैं कह रही थी आपके शॉर्ट्स बहुत अच्छे, वो जो शॉर्ट था ना जहाँ बहुए ऊपर खड़ी हैं नीचे, वो नूरजहाँ संभल, वो जो डू स्टोरी का शॉट लिया, और ये जानी साहब वाला घर है, कैन यू इमेजिन? नहीं सेम, हां या यस सेम घर, अनबिलीवेबल। ये तो बुरा आया जानी साहब में, शमून से नजर ही नहीं आता, ये तो उसमें तो तस्वीरें भी अजीब सी लगी थी, डिंगी पटिंगी। वो देखिए खिड़की से जब झांकती है तो बाहर से शॉट लिया जब बाइक पे खड़ा होता, फिर वही सीन आ गया जानी साहब में, तो ये वही घर था। मैं दोबारा देखूंगी, तुमने इतनी उसकी तारीफ की है। अच्छा तुम सती साहब, मैं कह रही थी कि आपके शॉट्स बहुत जबरदस्त, और मैं देख जैसे मैंने पहले कहा जैसे इमोशनल सीन होता है ना इनके मूवमेंट बढ़ जाती है, शॉट्स की स्पीड बढ़ जाती है। ये कहाँ होता है कोई एक कर देगा एंड में इनका टस डस डस। जो सुंबल की ब्यूटी शॉट्स बनाए विद द ओएसटी, जब वो बिल्कुल घर से निकलने से पहले लेट के सोचती है अपनी पूरी लाइफ हियर इन नूरजहाँ महल, सुंबल फोन उठाती है, अली रहमान फोन करता है ना, सफीर फोन करता है, तो अपने ऑफिस में बैठी होती है, तो वो जो शॉट कैमरा इधर था और सुंबल का फेस यूं था और बहुत क्लोज। अच्छा अब छोड़ो, एक छोटा सा सीन है कि जी जा रहे हैं गाड़ी में,
तो मुराद साहब फ्रूट के बाग में काम कर रहे हैं क्या, शूट किया मुसद्दिका, शरीफा भी था उसमें, शरीफा था उसमें, इवन फ्रूट की सिलेक्शन देखें कि खूबसूरत फ्रूट, एक्टिंग कौन कर रहा था, एंड द एक्चुअल असली शरीफा की मैं ही थी, अपनी बातें मैं ही थी, तो वो जो शूट हुआ है कितना छोटा सा सीन है, लवली, एक मिनट भी नहीं है, और इतना प्यारा शूट किया है कि जिस तरह मुराद देख रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, उठा है उसने फ्रूट को इस तरह देखा है, वो जरूरत नहीं थी, वो वैसे जबानी भी हो सकता था कि जाने सार होता जाफर आता हाँ जी सर शरीफा देख लिया, मुरीद मुराद साहब हैं, पता चला है मेरे जराए ने बताया है कि वो बागों में फ्रूट जो है सेल कर रहे हैं जाफर जाके वो शरीफा था, शरीफा पक्का पता कि नहीं पता क्या इख्तियार शाकी से कच्चा करी तोड़ी नहीं नहीं जाफर पता करो शरीफा किस मंडी में जाता है किस मंडी में सेल फ्रूट हो रही है इसकी, जाओ जाफर पता करो जी ये होना था सर मैं आपको बात बता रहा हूँ लेकिन आपके दिल पे लगेगी वो शरीफा था कराची की सब्जी मंडी में नहीं बिक रहा। अच्छा, अब तो इतना मैं खैर नौशेरवान को सवाई जाफर के कोई नहीं चाहिए, फोन कॉल भी ना डायरेक्टर ने जाफर को रखा हुआ फ्रेम में, जाफर देख रहा है फोन पे बात हो रही, कहाँ से आए, छोड़ो भाई, तो सदिक साहब मैं आपसे कह रही थी कि जो आपने मेहनत की है ड्रामे में, मुसद्दिक साहब ने कहना सर, मैं को मुसद्दिक हूं या मुसद्दिक सर, मुसद्दिक 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 कैसे हो तुम, मेरे बहुत छोटे हैं अब, मैं जो नजर ना वाली टोन में आ रही हूं, मुसद्दिक व्हाट आर यू डूइंग, गुड जॉब, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, छोटे न्यू क्रॉप हमारे जहन में आते हैं बड़े बड़े डायरेक्टर्स सीनियर होंगे असिस्ट करते थे। अच्छा देख दो चीज़ें मुझे आप बताएं, आपके शॉट्स इतने अच्छे हैं, एक शॉट बस मुझे समझ में नहीं आया कि जब सफीना है और हुनैद, या ये कोई आर्टिस्टिक चीज़ है मैंने तो नहीं देखी, सफीना बैठी है, ये सफीना है, ये हुनैद है, हुनैद बातें करते करते कैमरे के सामने आ गया और पूरा ना उसकी बैक कैमरे में थी, ऐसे कैसे शॉट हो सकता है, हाँ वहाँ मुझे लगा उसको पहले कट करना चाहिए था, ये हम सदिक चेक करें आप, अच्छा तो वो बिल्कुल ही ना उसकी बैक कैमरे के अंदर, चलो कोई बात नहीं, इतने सारे एपिसोड्स में एक शॉट गलत, लेकिन वो अजीब लगा कि वो बैठी और उसके सामने उसकी बैक आ गई जो हमारे सामने आ गई वहाँ शॉट खत्म तो नहीं हुआ, नहीं उसके बाद खत्म हुआ, लेकिन मैं कल किसी ने एडिटर ने कहा नहीं किया कि उसकी बैक जो है पूरी कैमरे के अंदर आ गई, लूज एडिट हो गया, कुछ गड़बड़ हुई, ये इनका आइंदा जरा ध्यान रखिएगा। दूसरा एक मेरा आपसे सवाल है, जब ड्रामा शुरू हुआ एपिसोड नंबर 26, जब भी शुरू होता है एक सीन होता है जिसमें टेरिस पे खड़े हैं आपके सफीर और महा, सीन होता है जिसमें बातें करते 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 फोन आता है, जी मम्मी, अच्छा मैं नीचे जा रहा हूँ, मम्मी ने बुलाया, कुछ जरूरी बात है, मैं भी चलती हूँ फिर क्या हुआ, वो कहते नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं, फिर सुबह हो गई, अगला सीन शुरू हो गया उनका, उन्हीं का बीच में क्या हुआ, रियली बीच में अगर एक फोन आता है कि मम्मी ने बुलाया कोई जरूरी बात है, किसने बुलाया कि किसको कहा, नूर मामा ने, वही फोन करती ना रात को, बुला लेती है बेटों को, तो वो जा रहा है, इंपॉर्टेंट बात है, नहीं, 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 उसके बाद सीन नहीं, he went down to the bedroom and bedroom में पूरा सीन हुआ है, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, आप लगा ले शर्त लग जाए, अरे भाई नहीं नहीं, और कहती है मैं तुम्हें कहना चाहती हूं, वो कहती सुम्बल को लेके आओ, सुम्बल को वापस ले आओ, नहीं उस वक्त नहीं है, ये मैं बात कर रही हूँ एपिसोड 26 की, जब 26 शुरू है, नॉट 27, सुम्बल छोड़ती है 27 में गई है ना आगे, 26 का फर्स्ट सीन, फर्स्ट सीन कि मैंने बार बार देखा है तो मैं हैरान हूँ, maybe it was just exit of the scene, नहीं वो या तो फिर होता कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, मामा बुला रही, खत्म, नहीं मामा बुला रही है कोई जरूरी बात है, और उसके बाद महा भी गई है कि अच्छा मैं भी चलती हूँ, दोनों गए सीन ही कोई नहीं है, नहीं महा को, महा को मना कर देता कि ना चलो ना भी जाए, अगला सीन दिखाए सुबह का दोनों कमरे में, तो ये मुझे समझ नहीं आई कि इसको डालने का मकसद क्या था इस फोन कॉल को, कि अगर लगता है कोई सीन था जो मिस हो गया, मे बी बिकॉज आगे जाके बिल्कुल एक सीन, मुझे एक जगह थोड़ा सा ऑड लगा था, एक सीन था जिसमें मुझे लगा था कि रात था और अगला सीन दिन का आ गया, वो ये कि जब वो आता है घर में और वो बैठी भी होती है नूरजहां, और वो कहती है कि अपनी बीवी को बोलो कि काम वाम कर रहे, वो ऊपर जाता है सीढ़ियाँ चढ़ के जाता है, तो वो कहती है बीवी दर्द तकलीफ में होती है उन्हें जब जाता है ऊपर, तो कहते हमने कुछ नहीं खाया हुआ, मैं तुम्हें ले जाऊँ, क्या चीज, मैंने तुमने कुछ नहीं खाया हुआ सुबह से, ड्राइव पे ले जाता, ड्राइव पे ले, तो मुझे लगता है ड्राइव पे निकलेगी तो रात होगी, बाहर दिन था क्योंकि पूरा दिन गुजार गया है ना, तो हाँ इवनिंग होनी चाहिए ना, दिन नहीं होना चाहिए, वो जो होने वाला होगा, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि वो सीन कहाँ गया, चले वो मुसद्दिक आपको खुद बताएंगे, डीएम कर दीजिएगा, चेक कीजिएगा, एडिटर हो सकता है कि थोड़ा सही जो है ना, आधे नंबर डायरेक्शन के अटेंटिव नहीं है डायरेक्शन के, लेकिन अदरवाइज इट्स फैंटास्टिक, 9 9
मरीना जी नहीं वैसे सुनो टेन मेरा डायरेक्ट मुसद्दिक ने कमाल काम किया क्यों दो नाइन जब मैं उधर मनजोगी ने दे रही हूँ टेन बनता है मुसद्दिक अब फोन ही बनता है मुसद्दिक बस जरा चेकिंग कर लेना ये